आज हम लोग समझते हैं कि एरे क्या होता है। सबसे पहले देखो एरे का डेफिनेशन क्या है वो देखो। एरे क्या बोलता है? लिस्ट ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हैविंग सेम डेटा टाइप। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या बोलने चाह रहा है उसको समझते हैं। देखो जैसे हम लोग जब कोई प्रोग्राम करते थे, मानो हम लोग को कोई नंबर लेना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, वेरिएबल का। मानो हम लोग इंट ए ले लिए 5, ठीक है। मानो कोई और आया बोल दिया इंट बी इक्वल टू 50, ठीक है। पर इसमें एक दिक्कत है, ठीक है। मानो हम लोग को एक दो नंबर लेना है और हमको मानो इसका सम प्रिंट करना है। सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिए, देन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन कर देंगे सम को, ठीक है। तो ये तो ईजी है। बट अगर मानो हम लोग को बहुत सारा नंबर लेना है, मानो हम लोग को टोटल 10 नंबर्स लेना है, कितना नंबर 10 नंबर्स, तो अगर हम लोग को 10 नंबर्स लेना है, ठीक है, अगर हम लोग को 10 नंबर्स लेना है तो क्या हम लोग 10 अलग अलग वेरिएबल लेंगे? मानो ए ले लिए, फिर कोई आके बी ले लिया, सी इंड डी, ऐसे कर करके हम लोग 10, मानो 20, 30, 40, ठीक है, हम लोग अलग अलग नंबर ले रहे। सो ऐसे अगर हम लोग करेंगे हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे प्रोग्राम में। तुम समझ रहे हो, हम लोग अपना कोड को क्या कर देंगे, क्लमजी कर देंगे, कंफ्यूजिंग बना देंगे। हम लोग का कोड क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग, क्योंकि इतना सारा डेटा का नाम, इतना सारा वेरिएबल का नाम क्या याद करना पॉसिबल है? चलो एक दो तो हम लोग याद भी कर लेंगे कि हाँ दो नंबर है, दो नंबर लिए थे, दो को नंबर है ऐड कर दिए। इतना सारा वेरिएबल को कैसे लेंगे? चलो अभी तो 10 नंबर बोले, मानो कोई 100 नंबर बोल दिया, 100 नंबर्स को ऐड करो, तब क्या करेंगे हम लोग? तब तो सर चकरा जाएगा। सो इसी प्रॉब्लम को हल करते हुए, इसी प्रॉब्लम का हम लोग एक सोल्यूशन निकाले जिसको बोलते हैं एरे, ठीक है। सो जो हम लोग का जो वेरिएबल होता था वो कैसा होता था, इसको मैं मिटाता हूं। जो हम लोग का वेरिएबल था वो क्या, कैसा डेटा टाइप होता है? वेरिएबल हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप था, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। और हम लोग का एरे क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। देखो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब ऐसा समझ लो, जो वेरिएबल होता है उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। साइज क्या होता है? फिक्स। और जो मेमोरी, ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपेशन ऑफ मेमोरी, वो भी क्या रहता है? फिक्स। पर जो एरे होता है उसका हम लोग साइज भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ जो मन होगा वो रख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का इसका मेमोरी भी चेंज होता है, जितना बड़ा साइज रहेगा उसके हिसाब से हम लोग का मेमोरी लोकेट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, दोनों फ्लेक्सिबल हो गया ना, दोनों हम लोग को क्या दे रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग को दोनों फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बट जो वेरिएबल्स होता था वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता था, बट उसी का सॉल्व करते हम लोग एरे लाए। अब हम लोग देखते कि ये काम कैसे करता है, पहले इसको देखते हैं। देखो हम लोग कोई नॉर्मल प्रोग्राम में एरे कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे पहले थोड़ा मैथ समझते हैं, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिक्स भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। देखना जैसे मानो मैथ्स में हम लोग सेट्स का बात करते हैं, सेट्स जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मानो। सो ये हम लोग को क्या, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। अगर मानो कोई इसके बीच में आके, ठीक है, ए लिख दिया, ठीक है, 0, 1, 2, A, 2, 3, तो ये क्या कलेक्शन ऑफ नंबर्स है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक हम लोग का क्या आ गया, अल्फाबेट भी आया। तो इस देखो जो पहला वाला था उसमें सब कुछ क्या था, सिमिलर था, ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर, ये भी नहीं भी, ये भी, ये भी। बट इस केस में क्या हुआ, एक अल्फाबेट के चक्कर में हम लोग का पूरा जो सेट है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। तो ये एरे हम लोग बोलेंगे कि ये एक एरे है, ठीक है। बट क्या ये एरे है? नहीं, ये एरे नहीं बन सकता, क्योंकि एरे का फर्स्ट चीज क्या था, एरे का फर्स्ट चीज था कि जो एलिमेंट्स, जो डेटा है हम लोग के पास, ये मानो हम लोग का डेटा है, जो डेटा है वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। इसमें सिमिलर टाइप का, बट इसमें क्या सिमिलर टाइप का था? तो ये एरे है, ये एरे नहीं है, ठीक है, समझ आया? देखो और समझने का कोशिश करते हैं। मानो जैसे हम लोग को बहुत सारा x का वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है,
जैसे मैथ्स में हम लोग क्या करते हैं, मानो हम लोग को जैसे कोई नंबर बोले जा रहा है, ठीक है, जैसे मानो हम लोग कोई सब्जी वब्जी लिख रहे हैं, मानो ब्रिंजल है, ठीक है, छोड़ो सब्जी काटाओ, उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मानो हम लोग को बहुत सारा नंबर है, हम लोग के पास बहुत सारा नंबर है, ठीक है, मानो हम लोग का हाइट है, जो क्लास में जो अलग अलग लड़का लोग है उसका हाइट है मानो, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, मानो हम लोग बोल दिए जो पहला बॉय है, बॉय वन, ठीक है, बॉय वन का एच वन हम लोग हाइट मान लिए, तो एच वन मान लियो 10, ठीक है, 10, ठीक है, फिर एच टू मान लो 20, फिर एच थ्री, ठीक है, 10, चलो फीट में लिख देते, इंच में लिख देते, मानो 5.4 फीट, ठीक है, इसका 4.8, इसका मानो किसी का 6 फीट है, ऐसे कर करके हम लोग अलग अलग क्या ले रहे हैं, हाइट ले ले रहे हैं, ठीक है, तो H5, तो देखो इससे हम लोग क्या समझ रहे, ये जो सब कुछ है, ये जो पूरा डेटा है वो एक्चुअल में क्या है, हाइट है, हाइट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास, जितना भी क्लास में हमको मान लो लड़का लोग है उसका हाइट है, तो अब हम लोग क्या पागल जैसा ऐसे बोलेंगे कि ये मानो कोई सनी नाम का लड़का, उसका नाम, मानो मेरा नाम है, ठीक है, उसका अलग हाइट ले रहे हैं, ठीक है, मानो कोई और नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग नाम स्टोर करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5, इससे क्या होगा, हम लोग को इजी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को उतना किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक लिस्ट बना लिए और हम लोग उसको नंबर से डिनोट कर दिए कि पहला लड़का का हाइट इतना है, दूसरा का इतना है, तीसरा का इतना है, समझ आया, तो मैथ्स में हम लोग ऐसे करते हैं, यही चीज कंप्यूटर में कैसे करते हैं, देखो हम लोग कंप्यूटर में कैसे करते हैं, देखना कंप्यूटर में जैसे देखो, ये मानो एक जगह है, ठीक है, मान लो ये जगह है, ये मेमोरी में एक जगह है, ठीक है, इसमें मानो कोई नंबर है, मानो 1, 2, 3, 10, 20, 30, 45, मानो 65 और 35, ऐसे कर करके अलग अलग नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक नंबर को एक इंडेक्स दे देते हैं, मानो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, और ये सब कुछ करने के लिए हम लोग को एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, देखो जैसे हम लोग कोई वेरिएबल लिखते थे, हम लोग क्या लिखते थे, मानो int equal to 5, बट हम लोग एक ही वेरिएबल का नाम से क्या वापस ऐसे लिख सकते, देखो अगर मान लो हम लोग int equal to 5 लिखे, अगला लाइन में हम लोग लिखना चाहते हैं कि a equal to 20, तो ये क्या करेगा, जैसे हम लोग का मानो मेमोरी है, उसमें जो a का जगह है वहां पे 5 था, a का जो स्पेस है उसमें 5 था, जैसे ही हम लोग नेक्स्ट लाइन में a equal to 20 लिखे, तो ये 5 कट कर उसके जगह क्या आ जाएगा, 20 आ गया, मानो कोई नेक्स्ट जगह मानो 15 लिखा, तो ये 20 कर 15 आ गया, तो हम लोग एक वेरिएबल का नाम से मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, हम लोग एक वेरिएबल का नाम से एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वेरिएबल का ये क्या लिमिटेशन है, बट अगर हम चाहते कि मेरा वेरिएबल का नाम एक ही हो, हम लोग का वेरिएबल का जो नाम है वो एक ही हो बट वो बहुत सारा वैल्यू स्टोर कर पाए, तो वो कौन हेल्प करता है, वो हम लोग को हेल्प करता है एरे, तो एरे कैसे लिखते देखना, तो देखो जैसे हम लोग लिखेंगे इंट, जैसे हम लोग वेरिएबल लेते इंट ए, ठीक है, इंट ए, बस अब हम लोग यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे इंट ए, तो ये जो चीज है ये हम लोग क्या किए, यही हम लोग का ये क्या है, एरे का नेम है, एरे का हम लोग का क्या है नेम, और ये जो हम लोग लिखते हैं ये हम लोग एरे को क्या किए डिक्लेयर किए, एरे को क्या किया हम लोग डिक्लेयर किए कि हाँ ये एक नाम का है और ये एरे, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो 1, 2, जैसे मानो हम लोग इसी को स्टोर कर रहे हैं, तो चलो यहीं पे देखो 10, 20, 30, 45, 65 and 35, समझ आया, सो हम लोग का जो नाम है वो वेरिएबल का नाम क्या है एक ही है बट वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर पा रहा है, मानो कि हमको इसका जैसे, और एक चीज याद रखना, ये सबको क्या बोलते हैं इंडेक्स, ये सबको क्या बोलते हैं इंडेक्स, मतलब ये हो गया जीरो इंडेक्स, तो जीरो हम लोग जैसे हम लोग जब कुछ बोलते हैं 1, 2, 3, 4 से गिनती चालू करते हैं, बट एरे में काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है, याद रखना इंडेक्स बोलते हैं, सो अगर हम लोग को ये जो मान लो ये कोई घर है, ये एक छोटा सा घर है, हम लोग को इस घर में क्या वैल्यू है वो जानना है या वो प्रिंट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो
हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a ऑफ ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर दे देंगे जीरो। ठीक है, मानो हम लोग का ये वेरिएबल लिखा हुआ है, अगला लाइन हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a ऑफ जीरो की, तो हम लोग का आउटपुट विंडो में पता है क्या जाएगा, हम लोग का आउटपुट विंडो में क्या जाएगा 10। मानो अगर हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखे SOP ln a ऑफ 4, a ऑफ 4, जैसे ही हम लोग a ऑफ 4 लिखे तो a 4 तो इंडेक्स, ये क्या इंडेक्स, तो हम लोग का फोर्थ इंडेक्स में कौन है भाई, कौन है 65, तो हम लोग का क्या प्रिंट हो जाएगा 65। समझ आया? सो ये हम लोग का एरे ऐसे हम लोग का हेल्प करता है। ठीक है, अब तो ये क्या था, जैसे हम लोग कोई वेरिएबल लेते, कभी कभी हम लोग को अपने मन से स्टार्टिंग में ही वैल्यू लेना होता, तो हम लोग क्या ले लेते, मानो इंट, चलो हम इधर एक्स ले लेते, इंट एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, बट हम चाहते कि इंट एक्स इक्वल टू 5 हम लोग अपने मन से ना ले, वो यूजर दे, वो क्या दे, यूजर। तो हम लोग चाहते कि हम लोग एक बक्सा बना ले, उसको खाली छोड़ दे और उसमें हम लोग बाद में वैल्यू डाल सके, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सो ये होता है एरे, हम लोग एरे कैसे लिखते हैं, सो इसको हम लोग एक बार यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको बताता हूं, यहां पे आपको बताता हूं। तो हम लोग एरे को कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या आया, डेटा टाइप, सबसे पहले क्या आया, डेटा टाइप, फिर उसके बाद क्या आया, एरे का नेम, क्या एरे का नेम या नेम ऑफ एरे। ठीक है, उसके बाद ओपन क्लोज ब्रैकेट दे दो। ठीक है, डेटा टाइप, एरे का नेम, अब तुम ए का जगह दे दो, ए आर आर भी दे दो, तुम एबीसी लिख दो, एबीसी देके स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, तुम ए आर आर देके स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, हम अपना नाम लेके भी स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है देखो, उसके बाद आ गया इक्वल साइन, उसके बाद क्या आ गया इक्वल साइन। सो ये पहला हुआ डेटा टाइप एरे नेम, फिर हम लोग क्या लिखेंगे न्यू, ठीक है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे न्यू इंट। अब समझना, पहले रुको इसको मिटाओ, चलो यहां पे हम पूरा इसको कंप्लीट करते रहे। न्यू डेटा टाइप, न्यू डेटा टाइप, और यहां पे जो हम लोग को वैल्यू डालना है, मानो हम लोग यहां पे कोई नंबर डालना चाहते हैं तो एम लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, सो ये हम लोग लिखते हैं। तो डेटा टाइप, मानो हम लोग इंट, हम लोग एक सेट बनाना चाहते हैं, मतलब हम लोग एक बॉक्स ऑफ एलिमेंट बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग सारा एलिमेंट किस डेटा टाइप का रखना चाहते हैं, इंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे इंट। हम लोग चाहते हैं उस एरे का नाम हो बी, उस एरे का नाम हो बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे बी, फिर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, फिर हम इक्वल दिए, न्यू इंट, न्यू इंट, फिर हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट देके यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, यहां पे हमको एक वैल्यू देना होगा। ठीक है, यहां पे वैल्यू देना होगा, तो हम लोग वैल्यू मानो दे दिए 5, तो हम लोग का 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, हम लोग का एक 5 बॉक्सेस का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। बट इसमें अभी सारा वैल्यूज क्या है, इसमें अभी सारा वैल्यूज जीरो है, इनिशियल वैल्यूज या डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है, जीरो। अब अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें कोई वैल्यू डालें, हम चाहते हैं इस जगह पे, तो ये कौन सा जगह, जीरो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स, हम चाहते हैं जीरो इंडेक्स पे कोई नंबर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे बी ऑफ जीरो इक्वल टू 50 मानो दे दिए। ठीक है, मानो हम चाहते हैं सेकंड वन में भी आ जाए, मानो 2 दे दिए, बी ऑफ 2 में हम दे दिए मानो 25 या मानो 23, बी ऑफ 3 में मानो हम दे दिए 60 और बी ऑफ 4 में दे दिए हम मानो 80, तो हम लोग का ये सारा जगह में क्या क्या भर जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 50, 23, 25, 60 और 80, और ये हम लोग का कौन सा एरे, बी। ठीक है, हम लोग का जो बी था, बी एक्चुअल में ऐसे लिख दो, ऐसे ज्यादा सही लगता है, ऐसे करके। ठीक है, यहां पे भी रुक जाओ, ये हम लोग का जो बी एरे था उसमें जो खाली जगह था, खाली जैसे ही हम लोग 5 लिखे तो 5 बक्सा हम लोग के लिए बन गया, और हर बक्सा का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, 0 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, सो ये हम लोग का एक स्पेस क्रिएट हो गया, और अगर हम लोग उस स्पेस में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे बी ऑफ 0 रख दिए, बी ऑफ 1 में ये रख दिए, बी ऑफ 2 में ये रख दिए। समझ आया, समझ आया क्या सबको? ठीक है, समझ आया। अब हम एक और चीज समझा रहे हैं, देखना। ठीक है, इसको मिटाओ। अब जैसे ये जो, देखो हम लोग का ये तो पता है इंट हम लोग का डेटा टाइप है। ठीक है, ये जो बी और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस।
क्या बोलते हैं, रेफरेंस, रेफरेंस बोलो, या सी प्लस प्लस में हम लोग इसको पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस देखो इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरे को जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेफर करो, इस ऐप का लिंक रेफर करो, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा करके होता ना। रेफरेंस मतलब किसी को देना, किसी को कोई चीज देना या किसी को पॉइंट करना कि हम तुमको रेफर किए, हम तुमको रेफर किए, हम तुमको कोई चीज बता रहे, समझा। रेफर एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, पॉइंट करना हुआ। न्यू वर्ड का क्या काम होता है, डायनामिक, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी, डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ये जो हम लोग मानो जैसे समझो, ठीक है हम समझाते हैं, जैसे हम लोग का एक इंट, जैसे हम लोग जब लेते हैं इंट a इक्वल टू 5 लिए, मानो इंट a इक्वल टू क्या लिए 5, तो याद करो हम लोग पढ़े थे जो कि एक इंटीजर वेरिएबल कितना स्पेस खाता है, कितना स्पेस खाता है, 4 बाइट्स, कितना खाता है 4 बाइट्स, ठीक है 4 बाइट खाता है। तो एक बात सोचो हम लोग भी एक कितना 5 बॉक्स का हम लोग एरे बना, तो इस एरे में देखो जैसे मानो एरे 1 2 3 4 5 10 20 30 40 and 50, ठीक है। सो इसमें टोटल कितना इंटीजर है, 1 2 3 4 5 5, इसमें टोटल 5 इंटीजर है, एक इंटीजर कितना स्पेस खाता है 4 बाइट, तो 5 इंटीजर कितना स्पेस खाएगा, 5 into 4 कितना हो गया 20 bytes। तो ये जो न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड हम लोग को जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है, मानो ये कंप्यूटर का मेमोरी है, उसमें हम लोग के लिए एक स्पेस खाली कर देगा, कितना बाइट्स का, 20 बाइट्स का, किसके लिए, एरे के लिए, जिसका नाम क्या है, बी। सो ये न्यू वर्ड हम लोग को हेल्प करता है मेमोरी क्रिएट करने में, हम लोग का कंप्यूटर का मेमोरी में स्पेस क्रिएट करता है, स्पेस एक अलग से छोड़ देता है सेपरेट करके, जैसे होता है ना जैसे बुक सेल्फ होता है कि ये मेरा जगह, ये तुम्हारा जगह, ये इसका जगह, ये फिजिक्स का जगह है, केमिस्ट्री का जगह है, बायोलॉजी का जगह है, वैसे ही जैसे ही न्यू वर्ड का इस्तेमाल हुआ हम लोग का 20 बाइट्स का स्पेस रिजर्व हो गया, ठीक है। और ठीक है न्यू वर्ड समझ आया। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहां तक समझ आया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो मेमोरी एक्चुअल में कैसे लोकेट होता है। देखो जैसे मानो हम थोड़ा बॉक्सेस, देखो एक चीज समझो, टोटल 1 byte कितना होता है, 1 bytes, 1 byte होता है 8 bits, 8 bits के बराबर। अब बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मानो समझ लो एक पैक, एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जब 8 बॉक्स कॉम्बाइन होता है तो हम लोग का क्या बन जाता है, 1 byte, 1 byte। अब तुम लोग ये बॉक्स क्या है, समझ लो ये बॉक्स जगह है, ये जगह है जहां पे हम लोग कोई डेटा को रख सकते हैं, समझ आ रहा है, कोई जगह है जहां पे हम लोग कोई डेटा को रख सकते हैं। सो 8 boxes मिलके, और 1 box का साइज कितना, 1 bit, तो इधर कितना बॉक्स है, 8 box, तो टोटल 8 बॉक्स मिलके क्या बना दिया, 1 byte बना दिया, ये समझ आया। अब देखो अब हम जो समझा रहे लिखना, वैसे ही देखो हम लोग का कैसे मेमोरी में स्टोर होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। देखो यहां पे दे दो 1001 1002, ऊपर दे दो यहां पे, बन दो, चलो यहां भी दे ही सकते 1001, ठीक है 1001 1002 1003 1004 1005 1006, ठीक है इसको मिटा दो, एक्स्ट्रा हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो मेमोरी में क्या एक्चुअल में हो रहा होता है, मेमोरी में कैसे हम लोग का स्टोर होता है नंबर्स। देखना याद करो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि जो एक इंटीजर वैल्यू होता है, जैसे इंट हम लोग मानो इंट इक्वल टू 5 ऐसे ही कोई नंबर लिया रैंडम, तो ये टोटल कितना बाइट्स खाता है, 4 bytes, कितना bytes? 4 bytes, ठीक है। ये हम लोग का टोटल 12 boxes है,
और हर एक बॉक्स का साइज कितना है? 1 byte. हर एक बॉक्स का साइज कितना है? 1 byte. अब समझो, हम लोगों ने एक एरे बनाया इंट ए, ठीक है, मानो 10, 20, 30. अब तुम लोग समझना, हम लोग का एक इंटीजर वैल्यू या एक वेरिएबल कितना खाता? 4 byte. यहां पे इंट ए है और कितना इसमें वैल्यू है, कितना एलिमेंट्स है? 3 elements. टोटल कितना एलिमेंट है? 3 elements. तो एक अगर 4 byte खाता है तो 3 elements कितना byte खाएगा? 3 into 4, 12 bytes. कितना खाएगा? 12 bytes. अब 12 bytes अगर खाएगा तो 12 byte का जगह भी तो होना चाहिए ना. अब समझो, हम लोग का कंप्यूटर में कैसे होता है, ये एक बॉक्स 1 byte का है, तो जो टोटल हम लोग का जो 4 boxes होगा वो कितना बाइट का हो जाएगा? समझ आ रहा है? 4 byte का. तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, देखो या देखो 1, 2, 3, 4 ये बॉक्सेस, ठीक है, फिर देखो 1, 2, 3, 4 यहां से लेके यहां तक, और फिर से मानो यहां से लेके यहां तक, ये हम ऊपर नीचे इसलिए बनाए क्योंकि लाइन जुड़ना जाए, ठीक है. ये जो 4 boxes है ये है हम लोग का एक नंबर स्टोर करता है, पहला नंबर मानो, जैसे वहां पर हम लोग 10. ये 4 boxes मिलकर हम लोग का कौन सा नंबर स्टोर करेगा? 20. और ये 4 boxes मिलकर हम लोग का कितना नंबर स्टोर करेगा? 30. हर 4 box का वैल्यू कितना है? देखो एक बॉक्स का वैल्यू 1 byte है, 4 box, हर 4 box का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का? 4 bytes. 4 bytes. समझ आया? तो ये हम लोग का जो मेमोरी है उधर ऐसे मेमोरी लोकेट होता है. समझ आया? अब तुम लोग का एक डाउट आ रहा होगा कि ये क्या है 1001, 1002, वो तुम लोग को अभी समझने का जरूरत नहीं है, क्लास 10 में इसका नीड नहीं है. बस ऐसा समझो, देखो एरे का जो मेमोरी हम लोग का स्टोर होता है वो कंटिगुअस होता है. कंटिगुअस मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बोलता है. इसका क्या मतलब हो समझो कि ये जो ये सब क्या एड्रेस है, ये सब क्या है? एड्रेस, ठीक है. जैसे हम लोग का, जैसे हम लोग का लोकेलिटी होता है, घर में एड्रेस क्या होता है? मानो तुम्हारा पिन कोड, जैसे तुम्हारा घर का हाउस नंबर 97 है, तुम्हारा बाजू वाला का 98, तुम्हारा जो पहले वाला था वो 96. वैसे ही हम लोग का जो मेमोरी में जो एक एक बॉक्स है उसका लोकेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रेस, ठीक है. और वो कंटिन्यूअस है. देखो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल करके मान लिया 101, समझ रहे हो ना. और ये जो नंबर्स होता है ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में रहता है. कौन सा? हेक्साडेसिमल के फॉर्म में, हेक्साडेसिमल, जिसका बेस कितना होता है? बेस होता है 16. जो हम लोग नॉर्मल नंबर लिखते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है. तो ये सब बात का चीज है, ये सब कंफ्यूज करेगा तुम लोग को, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे. बस ऐसा सोचो जो हम लोग का मेमोरी लोकेशन होता है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है. पहला ये क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है, ठीक है. और हर 4 boxes मिलके हम लोग का एक नंबर को स्टोर कर देता है. ये बस हम लोग को समझना है, ठीक है. चलो अच्छा से हम लोग का हो गया. सो अभी हम लोगों ने देखा कि एरे क्या होता है? सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर डेटा टाइप. सो हम लोग कितना टाइप का एरे बना सकते हैं? देखो जैसे देखो हम लोग का कितना टाइप का डेटा रहता है? इंट था, फ्लोट था, डबल था, कैरेक्टर था. तो देखो हम लोग एक एक का एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो एक हम लोग इंट ए का भी बना सकते हैं, मानो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम लोग एक एरे बना दिए. हम लोग एक और एरे बना सकते हैं, देखो फ्लोट बी नाम का, ठीक है. अरे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे बी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू क्या क्या दे सकते हैं हम लोग बताओ, मानो 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, ठीक है. फिर हम लोग को मानो कैरेक्टर का भी एरे बनाना है, तो कैरेक्टर मानो कैरेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ए, ठीक है, बी सी डी. समझ आ गया? इंट का हो गया, फ्लोट का हो गया. कोई डबल का बनाना चाहते हैं तो डबल का भी बना लो, मानो डबल डी इक्वल टू मानो 3.5, 4.5, 7.5, 8.5, ठीक है. समझ आ रहा है? अब इसके बीच में कोई बी डाल देगा तो वो एरर नहीं होगा, एरर बता देगा, ठीक है. सो हम लोग ये इतना सारा एरे क्रिएट कर सकते हैं. और ये क्या होता है? ये डायरेक्ट तरीका होता है कोई एरे को डिक्लेयर करने का. मतलब हम लोगों ने एरे का नाम डिसाइड किया, डेटा टाइप, और हम लोगों ने ब्रैकेट में जो अपना मंथ का नंबर था वो हम लोग, या जो हम लोग को डेटा चाहिए था ले लिया. एक और तरीका क्या होता है जिसमें यूजर हम लोग को इनपुट देता है, वो क्या तरीका होता है? इंट एरे का नाम जो भी होने वाला है, डेटा टाइप जो भी, हम लोग इंट ले लिए, यहां पे क्या आ जाएगा? न्यू, यहां पे आ जाएगा इंट, और यहां पे आ जाएगा जो नंबर. अगर मानो 10 box का स्पेस बनाना है तो यहां 10 लिख देंगे,
तो हम लोग का 10 स्पेस वाला बॉक्स बन जाएगा। समझ आ गया अच्छे से? किसको डबल का बनाना है तो यहां डबल लिख लेगा, मानो डबल डी ऐसे करके इक्वल टू न्यू डबल, और यहां पे मानो 15 डाल दिया। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है चलो, अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है देखो, सो हम लोग स्ट्रिंग एस, हम लोग वेरिएबल का नाम या एरे का नाम हम लोग रख दिए एस। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब डबल कोट्स में नाम लिख देते हैं। सो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, देन डॉन लिख देता हूँ, देन हैकर लिख देता हूँ, समझो हैकर। ठीक है, इसको हम लोग कर दिए क्लोज। सो ये हम लोग का हो गया एरे वाला, स्ट्रिंग का एरे। सो जीरोथ पे कौन बैठा है? साकेत। वन पे डॉन और थर्ड पे, सेकंड पे हैकर। मानो हम लोग को जीरोथ वाला एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्या करेंगे हम लोग, एस ऑफ जीरो। सो एस ऑफ जीरो हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हम लोग का साकेत आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही मानो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस ऑफ वन प्रिंट करेंगे तो हम लोग का डॉन प्रिंट हो जाएगा, और एस ऑफ टू प्रिंट करेंगे तो हैकर प्रिंट हो जाएगा। समझे? तो स्ट्रिंग वाला एरे में हम लोग एलिमेंट स्ट्रिंग लेते हैं। इंटीजर का एरे में हम लोग क्या लिए थे, इंटीजर। डबल के एरे में हम लोग डबल, फ्लोट के एरे में हम लोग लेंगे फ्लोट। और एक चीज, जैसे स्ट्रिंग के एरे में हम लोग डबल कोट्स में करते हैं, तो कैरेक्टर के एरे में हम लोग कैसे करते हैं, याद करो, सिंगल कोट्स में। जैसे एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, मान हम लोग वन स्टोर कर दिए। ठीक है, हम लोग ऐसे ये सब चीज कैरेक्टर में करते हैं। मानो हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक बार करके भी देख लेते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, सी ऑफ जीरो को प्रिंट करते हैं, देखते क्या होता है। तो सी ऑफ जीरो में कौन बताया, एट द रेट, तो हम लोग का एट द रेट प्रिंट हो गया। मानो सी ऑफ वन को प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ, डॉलर प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? सो ये हो गया हम लोग का स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग का एरे एंड कैरेक्टर का एरे कंप्लीट। ठीक है, हम लोगों ने जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने जितना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एरे पॉसिबल था वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जो हम लोग का मोस्टली काम आता है ऐसा समझो, वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।